हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? नया दिन, नए दिन की शुरुआत महादेव के नाम के साथ और एक एक फ्रेश अच्छे से बड़े रोड ट्रिप की शुरुआत होने वाली है दोस्तों। ये जिसमें ये मेरा बाबू भी साथ में रहेगा, तो ये अपना फैमिली रोड ट्रिप होने वाला है और काफी बड़ा होने वाला है। काफी बड़ा मीन्स की काफी किलोमीटर हम इसमें कम्प्लीट करेंगे। ऐसे एक्चुअली प्लान तो था हमारा रात को निकलने का, बट क्या हो गया कल या तो वहाँ से गाड़ी लेके आया, पहले तो सर्विस सेंटर से सुबह निकला, उसके बाद शाम तक लेके आया, उसके बाद फिर गया स्टेशन मम्मी पापा को छोड़ने के लिए। देन उसके बाद वहाँ से वापस आके यार इतना थक गया था ना, थक गया मीन्स क्या यार, एक तो इतनी ज्यादा गर्मी है ना दिल्ली में, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है कि पसीना निकाल के ना शरीर को निचोड़ देता है, जैसे कि मतलब कोई काम करने की एनर्जी बचती नहीं है। तो रात को 11 बजे करीब घर पे आने के बाद खाना ना खाने के बाद ना मतलब हिम्मत नहीं हुई कि यार आप ड्राइव करके मैं निकलूं, और पूरा एक्सप्रेस वे हाईवे रात को निकलना सेफ नहीं था, इसलिए मैं सोचा कि चलो छोड़ा सो जाते हैं। वैसे ही पैकिंग पूरी प्रॉपर हुई नहीं थी कि थोड़े बहुत रह गए थे, तो जल्दीबाजी में निकलने क्योंकि क्या होता है कि भाई दो चार सैंडल्स रह गई थी बाबू की, तो दो चार ट्रिप तो है नहीं, दो चार दिन का ट्रिप तो है नहीं कि कोई मैनेज कर लेंगे। अब लंबा ट्रिप है तो भाई सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लेके जाना है, सब कुछ करना है। अब बस वही फिर मैंने चलो आराम करते हैं, सुबह आराम उठेंगे, उठ के फटाफट से पैकिंग वैकिंग जो है बाकी बची हुई कम्प्लीट करके दोपहर तक निकल जाएंगे। ठीक है, तो बस आप सो के उठ गए मतलब? हाँ आज निकलेंगे सुबह, ठीक है, बाबू ने बोला आज निकलेंगे सुबह, ठीक है। तो अपनी पैकिंग पूरी हो गई है, तो इस बार हम थोड़ा सा जो रोड ट्रिप होगा उसको हम पूरा एक कैंपर वैन की तरह यूज मतलब करेंगे, अपना गाड़ी के अंदर ही अपना पूरा बेड वेड बना के बढ़िया से बच्चे इंजॉय करेंगे, अपना खाते पीते सोते जाएंगे, और अपन अपना ड्राइवर तो है ही सदाबहार, वो चलाता रहेगा गाड़ी, कुछ नहीं करना, बस चलाते रहना। दोस्तों अभी मैं दिखा देता हूँ कि भाई क्या क्या पैकिंग करी है, मतलब पैक तो पूरा हो चुका ऑलरेडी, बस अब इसको लेके चलता हूँ गाड़ी में, गाड़ी में सेट करते हैं तो आपको दिखाते हैं कि भाई कैसे बना के लेके जा रहे हैं। हाँ जी, क्या हो रहा है? खाना बना रही हूँ। खाना क्यों क्यों खाना नहीं खाना? खाना नहीं खाना भाई, खाना बनाओ कैसे तो ये बताओ ना, तुम्हारे पास तुम कह रहे टमाटर नहीं है, सारी चीजें खत्म कर दी भाई, टमाटर प्याज की चटनी बना दी, मतलब इतने महंगे हो रहे टमाटर भाई, सिर्फ टमाटर की चटनी बना दी भाई, कह रही कि खत्म करने खराब नहीं हो जाएंगे इसलिए फ्रिज में रख रखे, तो खत्म कर देते हैं। ये देखो चिप्स का पैकेट देखो इनके, तो चलो सो देख लो दोस्तों अपनी एक्सयूवी में कैसे सेटअप करूंगा। बाकी यहाँ पर देखो बीच में स्पेस बना दिया मैंने, ये हेड रेस्ट है ये हटा दिया मैंने, तो काफी ज्यादा स्पेस बन गया, तो इसके बीच में अपने बैग लगेज आ जाएगा, जो इसमें सूटकेस है ये दोनों आ जाएंगे इसके बीच में, तो अपना क्या ये होटल जाके निकलेंगे, तो यहाँ पर अपना बढ़िया स्पेस भी कवर हो जाएगा। ये सीट फ्लैट कर दी मैंने दोनों भाई, ये एक्सयूवी के फायदे, अपना मजे से लेट के खा पी के अपना घूमते फिरते निकलो अगर रोड ट्रिप कर रहे हो, बहुत बढ़िया बेस्ट गाड़ी है भाई अपने लिए, तो मेरे को और ऐसी गाड़ी कोई कम्फर्टेबल लगी नहीं अभी तक, बाकी देखते हैं। चलो तो बनाते हैं फटाफट भाई, अकेले बना रहा हूँ, वीडियो भी बनानी और ये भी करना है, तो भाई अभी थोड़ी देर पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने सेटअप किया है। सो ये देखो दोस्तों, ये अपने एक सूट के इधर आ गया, एक उधर आ गया, स्पेस भी कवर हो गया पूरा, तो यहाँ पर कोई गिरने वाले डर नहीं है, कुछ बच्चे भी आराम से लेट पाएंगे। अब देखो ये बच गया अपना गद्दा भाई साहब, ऐसे मजे और कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, खोजने से भी ना मिलेंगे। इसको एक काम करते हो, थोड़ा सा फंसा देते हैं क्योंकि भाई गाड़ी चलेगी ना फिर यहाँ पर निशाना पड़ जाए, सूटकेस पे तो कुछ नहीं, गाड़ी पे नहीं पड़ने चाहिए भाई। ओ क्या बात है, देखो दोस्तों अपना 2 BHK कंप्लीट हो गया भाई साहब, क्या बढ़िया आराम से सो के जा सकते हैं, चारों बच्चों के साथ हम भी सो सकते हैं, कितना बढ़िया हो गया। ये कहाँ से गिर रहे हैं भाई, क्या है ये पता नहीं, ये है सर्विस, ये है सफाई, महिंद्रा सर्विस सेंटर, कोई बात नहीं भाई, उनको सुनने की आदत है, हमें सुनाने की आदत है ना। चलो जी, मैंने आज देखा भाई यहाँ पर भी स्पेस है, ये देखो ये भाई साहब, ये खुफिया खजाना है यहाँ पर छुपाने के लिए, ये मैंने अभी देखा है, मैंने ये क्या है भाई, चलो अच्छी बात है भाई, किसी को पता नहीं था भाई, पता बता दिया मैंने भी, अगर किसी का XUV 500 है और किसी को पता ना हो कि भाई खुफिया खजाना यहाँ रख सकते हैं अपने गाड़ी में चलते चलते, ये देखो क्या बात है, कितना बढ़िया स्पेस है, ये इसको बंद करो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ है यहाँ पर। चलो जी ये भी कवर हो गया स्पेस, ठीक है, बहुत
5 मिनट को सीधे काम किया और पूरा गिला। सो रेडी गाइस? यस। अपनी रोड ट्रिप के लिए कुछ बोलो, अब भी बोलो। इसने एक भी बुक नहीं रखी, सुनो कह रही मैं चिल मारने जा रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत कर ली है झेलने में टीचर। भाई सब फुल रेडी है, सारे सब कुछ है। तो फुल रेडी है, सब कुछ रेडी हो चुका है, सामान वान मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ चला ही गया है। मेन जो सामान था, बाकी थोड़ा बस लैपटॉप का बैग, खाने वाने का, और ये थोड़े बहुत ये भी ले लिया भाई छतरी, क्योंकि ये भी जरूरत पड़ सकती है। बाकी फिश का खाना लगा दिया है, गुच्ची को अपनी जगह पे भेज दिया है हमने, वो आराम कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब फटाफट से चलते हैं भाई, गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं महादेव का नाम लेके, अपनी रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं। साईं राम का नाम लेना पड़ेगा, उन्हीं के पास जा रहे हैं। हाँ, उन्हीं से दर्शन के लिए जा रहे हैं, फिर वहाँ से थोड़ा सा चिल भी करने जाएंगे। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ के बताता हूँ कि हमारी आइटिनरी क्या है, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको अपनी 2 BHK कैंपर वैन में। अच्छा बच्चों बताओ कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा। कैसा लग रहा है क्यों? है 2 BHK भाई साहब, देखो कितना सामान भी आ गया भाई, बच्चे लेट भी गए आराम से, मजे से आराम से। हम भी आ जाएंगे इसमें तो। और क्या भाई, तुम क्या कह रहे थे अभी? मुझे भी लेटना पड़ेगा। देखा भाई साहब, चीज ही ऐसी है मजा, मतलब लेट के सफर करने का अलग ही मजा है। ठीक है भाई, हर कोई पूछता है कि भाई रोड ट्रिप भाई गाड़ी से क्यों करते हो, मतलब कहीं भी जाते हो गाड़ी से क्यों जाते हो? मैं इसी का मजा है यार, रोड ट्रिप का भी मजा लो और अपने गाड़ी का भी मजा। हाँ, मैं बोल रहा ना, मैंने भी बोला सीधी जा रहे हैं। अच्छा फ्लाइट से ना, मैं गाड़ी से है क्यों? कौन नीतू वगैरह बाकी लोग? हाँ भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रेन से जाएंगे भाई, गाड़ी से जाते हैं हम तो। ठीक है दोस्तों, तो अब निकलते हैं यहाँ से तो अपने रोड ट्रिप पे। तो यहाँ ट्रिप जीरो कर दे, एक मिनट भाई देखते भाई, अब थार भी है और ये भी है ना, दोनों में कन्फ्यूजन आ जाती है। चलो ट्रिप ए जीरो कर दी। अबे अच्छा तुम भी आ गए यहीं पर ही अभी। सो दोस्तों यहाँ मैंने कर दिया अपनी ट्रिप ए जीरो, ट्रिप बी जीरो। ठीक है, अब हम जा रहे हैं भाई करीब करीब 2000 किलोमीटर के सफर पे अपने रोड ट्रिप पे। तो फटाफट से डीजल तो बाइक फुल है ऐसे, तो अब निकलते हैं यहाँ से सीधा शिरडी के लिए। अरे ऐसा अच्छा है ना, इनको और मुंह आगे लाने के लिए पहले खड़ा होना पड़ता था, अब लेटे लेटे हमारे सर पे खड़े होके रखते थे पहले। अब ड्राइंग रूम में आ जाओगे कैसे भी, है ना? ड्राइंग रूम हो गया, वो बेडरूम हो गया, कैबिन बन गया, कैबिन बन गया। चलो अब मिलते हैं आपसे सीधा रास्ते में। सो दोस्तों यहाँ से मैंने लोकेशन लगा दी है शिरडी की, तो यहाँ से लोकेशन आ रही है, जो टाइमिंग आ रहा है वो आ रहा है 20 घंटे 51 मिनट, इज ऑलमोस्ट 21 घंटे। और कल दोपहर 2:56 पे अराइवल टाइम। क्या हुआ क्या हुआ? फिर कहाँ जा रहे हैं हम? ये कहीं और की तैयारी में था। कहाँ की बाबू? बीड़ू बाबा। तो यहाँ से फिर गोवा जाएंगे ना, उसके बाद जाएंगे ना बेटा। अच्छा 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 अच्छा, वो अभी देखा मैंने गाड़ी का पोल्यूशन भी यार एक्सपायर हो गया था, मैंने ये भी करवाना जरूरी है। अब भैया कर रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी, अभी बंद कर दो फैन, ऑफ ही कर दिया मैंने तो। तो ये तो मशीन में आ रहा है कि RPM कितना जा रहा है ऊपर, ये 2000 4000 6000। तो भैया मुझे मशीन देखेंगे अपनी की, खुद ही कर लो अपनी, आप पोल्यूशन देख लो। कह रहे हैं कि प्रेस MSR स्टार्ट टू फ्री एस्केलेटर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ इसमें भाई। सो दोस्तों मैं हूँ अभी एक्सप्रेसवे, मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और क्या बढ़िया रोड है, खाली खाली रोड, एकदम फोर लेन हाईवे है ना, क्या बढ़िया रोड है। और इधर देखो अपना क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है, पैरों को भी आराम, हाथों को भी आराम। इतना ना दो आराम मेरे को तो। एडवांस फीचर होता है भाई, आराम से बैठ भी जाते हैं, हल्दी पल्दी मार बैठ सकते हैं, उसमें आते 700 में आते हैं। सो बस अभी मजे कर रहे हैं, अभी बस ये थोड़े देर के ही मजे, उसके बाद अभी भाई एक्सीडेंट आए आ जाएंगे, फिर लेफ्ट राइट फिर ट्रक वालों को भी ये करो, फिर लेफ्ट से कभी राइट से ओवरटेक कर ली, है ना बच्चों को मजा आ रहे हैं, पार्टी चल रही है, पार्टी तो बिस्किट जब से वो आज ही खत्म हो जाएगा, जो वही खाने पीने सामान लेके आए ना, इतने दिन का ट्रिप उसके हिसाब से लेके आए, मुझे लग रहा आज ही खत्म कर देंगे। हाँ, 150 किलोमीटर चलने के बाद भाई स्टॉप लेना पड़ गया, वॉशरूम जाना था थोड़ा,
फैमिली समझ रहे हो ना, फैमिली है तो भाई साथ में वॉशरूम भी जाना जरूरी है। वॉशरूम गए थे, बाकी सब साथ में कुछ चाय पकौड़े भी खा लिए है ना, पेट पूजा भी हो गई है। अब नहीं रुकेंगे ठीक है, अब स्टॉप स्टॉप नहीं, अब डिनर के लिए रुकेंगे। सो जाओ, चलो भाई अन्नू भी फेरी में भी आ गई, भाई मैं भी मजा आ रहा हूँ भाई, देखो कैसा आ रहा हूँ पीछे, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना भाई, भाई देखो दोस्तों क्या, जब भी हम ट्रैवल पे निकलते हैं तो भाई अपने जो भी खाना पीने सामान जो भी पूरा होता है अपने गाड़ी में फेंकते हैं, और यहाँ सामने डस्टबिन है, यहाँ से निकाल के डस्टबिन में डाल देंगे ठीक है। तो भाई रोड पे कोई कचरा नहीं फेंकने का, और ना गाड़ी के अंदर कोई कचरा रखने का, बाद में फेंक देने का। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। आगरा लेफ्ट, जयपुर के लिए राइट, हमें जाना है वडोदरा, मुंबई है आगे सीधा, तभी हम और सीधा जाएंगे, इस अराउंड 48 किलोमीटर अभी और सीधा जाना है हमें। वडोदरा 661, रतलाम 444, और क्या था लालसोट आएगा 44। भाई साइड में पहाड़ है पर दिखाई नहीं रहा अभी अंधेरे में, और कोटा 240, इतना किलोमीटर अभी रह गए हैं भाई, अभी तो बहुत दूर है मंजिल, बहुत दूर है। बिडू, ए बिडू, क्या चल रहा है बिडू पीछे? क्या चल रहा है बिडू? कन्नी बच्चा है, कन्नी बच्चा क्या कर रहा है पीछे? कन्नी बच्चा क्या कर रहा है? दोस्तों मैं डोसा मुंबई एक्सप्रेस वे पे डोसा तक तो बहुत बार आया हूँ, अभी फर्स्ट टाइम मैं आगे निकल रहा हूँ यहाँ से मुंबई की तरफ, क्योंकि जितनी बार मैं दो बार गया हूँ, मतलब अपना एमपी मतलब सॉरी महाराष्ट्र तक मैं दो बार गया हूँ, तो दोनों बार मैं अपना यहाँ कोटा होते हुए अपना पुराना वाला हाईवे है वो देखे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं भाई, ये खाओ खा के ना भाई, मैं खाने की चीजें सारी बाहर रख दूंगा, बाहर दे दूंगा, हां ये खा खा के तुम गाड़ी में ये करोगे ना, मैं तो नहीं होगा बर्दाश्त कह रहा हूं। सो दोस्तों मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे यहां पर फिनिश होता है, देखो बंद कर रखा रास्ता आगे, अब यहां से लेफ्ट लेके हम निकल जाएंगे लालसोट की तरफ, बस यहीं तक था मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे। तो एग्जिट होते हैं भाई यहाँ से, अब देखते हैं कितना टोल कटेगा, यहाँ पे थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा है ना। अब यहाँ से इधर जाना है हमें राइट को लेना है, राइट को दोस्तों दिल्ली मतलब अपना सोना से यहाँ तक जो एक्सप्रेस वे था वहाँ का जो टोल लगा इस लगा 225 रुपये, भाई बड़ा ही बेकार ही है, हाईवे है जो भी है, ये तो सिंगल हाईवे है, ऊपर से भाई जो ट्रक वाले हैं ना पूरे भाई हाई बीम पेल के आ रहे हैं, उस पर चार चार फॉग लाइट इनके सामने लगी हुई है, डीपर मार दूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, क्या गाड़ी चला रहे हैं यार। तो तुम सेकंड फ्लोर पर बैठे हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है इतनी लाइट होगी, डीपर मार रहा बंदा सामने वाला, वो भी उसको भी नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को, तो इतने धीरे चलानी पड़ रही गाड़ियाँ, 50-60 की स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ रही है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ ये जो सब ड्राइवर है ना ओवरटेक भी दबा के मार रहे हैं। और भाई कहीं पर रुकते हैं, रुकेंगे विंडशील्ड साफ करनी है भाई, विंडशील्ड बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, मत
मच्छर ही मच्छर मरे हुए हैं बहुत ज्यादा। देखो कितनी गंदी लग रही है विंडशील्ड, ये तो कैसे हाई बीम पे लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ से कोटा रह गया इस अराउंड 70 किलोमीटर और भाई कुछ नहीं है इस हाईवे पे, कुछ नहीं है, मतलब गुड़गांव से क्रॉस करने के बाद यहाँ कुछ नहीं मिलेगा ढंग का। अब सारे होटल देख रहे हैं भाई कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा है, सब पे ट्रक वाले रुके हुए हैं और समझ ही नहीं आ रहा, कोई फैमिली नहीं है कुछ नहीं है। और भूख भी लग रही है, 12 बज चुके हैं, ये कितने देखो 12 बज गए भाई, भूख भी लग रही है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है बढ़िया वाली, टकाटक टकाटक। भूख भी लग रही है ना, लग रही है भूख? लास्ट टाइम हम पुराने हाईवे से आए थे ना, तो हमने बर्गर पैक कराए थे ना। वो तो यार अब वहीं चलूं बर्गर पैक कराने के चक्कर में क्या, आगे टीम होटल दिख रहा है ना। हां स्टारबक्स भी है यार। अरे मिल गई होटल्स ही खड़े होटल्स देखो, ये देखो सामने कोई होटल्स मोटल्स नहीं है, बस होटल्स होटल्स लिखे। अरे अरे गाय भी यार, गाय को देखो ये देखो, ये होटल्स जा रहे हैं, ऐसे ऐसे होटल हैं, सिर्फ ट्रक वाले ही रुकते हैं यहाँ पर और गाड़ियाँ एक भी नहीं है भाई। अब देखते कोई थोड़ा सा लाइट वट दो अच्छी हो ना, वहाँ रुक के दाल रोटी खानी है, तो दो रोटी खा लेंगे फिर सुबह उठ के, तो भाई सुबह पहुँच जाएंगे मतलब थोड़ी देर में एम बी में एंटर हो जाएंगे, तो फिर वो बे टाइम हो जाएगा खाना खाना ना, दो तीन बजे तो नहीं खाया जाएगा, फिर देखते हैं अच्छा मिल जाता है फिर रोकता हूँ। चलो आखिरकार एक होटल तो मिला बढ़िया, फैमिली वाली बैठी है अंदर, होटल राठौर। अब भाई 12:15 बज गए, खा लेते हैं फिर आगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं खाएंगे तो, और फिर कहीं उल्टी सीधा मिलेगा तो ठीक लग रहा है। चलो ले मेरा फ़ोन ले लिया। सो बढ़िया डिनर, क्या बढ़िया लग रही है दाल देखने में भाई, सबर का फल मीठा होता है सुना है ना आपने, तो देखो कितना वेट किया हमने और जाके हमें अच्छा ढाबा मिल गया। ठीक है ये आलू जीरा जीरा आलू दाल तड़का बढ़िया वाली एकदम, देख के अच्छा लग रहा है तो उसके मतलब खाने में भी अच्छी होगी, साथ में बच्चों के राइस मंगाए थोड़े, और ये क्या है मिर्ची फ्राई देखो कितनी टेस्टी है यार, बनवा ले थोड़ा रास्ते के लिए। खाते हैं चलो बढ़िया है। सो डिनर कंप्लीट, होटल राठौर एंड रेस्टोरेंट यहाँ से है मतलब कितना 60 के आसपास रह गया कोटा, तो समझ लो बढ़िया खाना खाना बढ़िया साफ सुथरा भी था, ऊपर रूम भी बने हुए हैं। कोई भाई दिल्ली का भाई बाइकर यहाँ पर अपने दिल्ली का ही है, ये बाइक खड़ी है भाई की, तो यहाँ पर वो भी शायद आगे जा रहा कहीं तो रेस्ट कर रहा है ऊपर रूम में, रूम भी है एसी होटल रूम। चलो हमने खाला खा लिया बढ़िया, एक बज गया भाई खाना खाते खाते, अब निकलते हैं यहाँ से आगे, बारिश भी तेज हो गई देखो क्या। ये मैंने पेपर लगा रखा है वहाँ पर निशान ना पड़े इसलिए। तैनू पता है ये वाला जो पेड़ है ना, कौन सा हनुमान जी को इसके पत्ते की माला चढ़ती है, बहुत अच्छा होता है। और शिव जी को इसके फूल चढ़ते हैं वहाँ पर बनारस में। अच्छा।